जय हिंद बच्चों, आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं, और किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई, ये पांचों किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था। तो आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनि सेलुलर होते हैं। यूनि सेलुलर होते हैं, यूनि सेलुलर, सॉरी, यूनि सेलुलर होते हैं, यूनि सेलुलर। तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म यूनि सेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल, तो सिंगल सेल्ड हो गया इसका मतलब। तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी के सभी सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यू का मतलब, जैसे यू का मतलब है, यूकैरियोट लिखा है ना, यूकैरियोट, तो यू का मतलब यहाँ पर होगा ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जहाँ पर पूरी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता हो, जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता हो, तो ऐसे सेल को यू कैरियोट सेल कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म यूनि सेलुलर होते हैं, यूनि सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसे सेल को हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। ऐसे सेल को हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है, बिकॉज कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इन्हीं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि इन्हें प्लांट कहते हैं। प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि प्लांट कहते हैं ऐसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को। तो इसीलिए प्रोटिस्टा की अभी तक बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई है, ठीक है। तो द बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। आगे बढ़ेंगे। प्रोटिस्टा को फिर से 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा को फिर से 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर से 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये जितने भी क्लास हैं, ये 5 क्लासेज हैं, इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला है स्लाइम मोल्ड, और दूसरा है प्रोटोजोअन, तीसरा है क्राइसोफाइट, चौथा है डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट, और पांचवा है यूग्लेनॉइड। तो पांचों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा को फिर से 5 क्लासेज में बांटा गया है, मतलब ऐसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा के 5 क्लासेज होते हैं। पहला है स्लाइम मोल्ड, दूसरा है प्रोटोजोअन, और तीसरा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और पांचवा यूग्लेनॉइड। प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है तो एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जो है तो प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ लिंक बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ, प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ क्या बनाते हैं? लिंक बनाते हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा यूनि सेलुलर यूकैरियोट होता है, ठीक है, यूनि सेलुलर होता है, और मोनेरा हो गया, ठीक है, या मोनेरा हो गया तो यूनि सेलुलर प्रोकैरियोट होता है, ठीक
और एनिमल प्लांट की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होता है। तो प्रोटिस्टा के बारे में बताए हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। तो यूकैरियोट जो है तो ये प्लांट भी होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट जो होते हैं जैसे कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट का मतलब इसमें भी यूकैरियोट है और इसमें भी यूकैरियोट है। तो ये लिंक बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये लिंक बनाया हुआ है और ये भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पर भी लिंक बनाया हुआ है। तो प्लांट और एनिमल के साथ ये प्रोटिस्टन लिंक बनाता है, ठीक है, प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ लिंक बनाता है। तो प्रोटिस्टन जो है तो एक्वेटिक होते हैं, ये प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ लिंक भी बनाते हैं। आगे चलेंगे, कुछ प्रोटिस्टन होते हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटिस्टन होते हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो होता है वो सीलिया से बड़ा होता है, ठीक है, साइज में लार्जर देन सीलिया। फ्लैजिला का साइज जो है तो सीलिया से ज़्यादा होता है और फ्लैजिला जो है तो प्रोटिस्टन को लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला पार्ट्स है कुछ प्रोटिस्टन में होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट होता है, तो दोनों अलग अलग टर्म है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला, और प्रोटिस्टा के लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेल फ्यूजन होता है डायरेक्टली, जैसे कि दो सेल इस तरह रहेंगे, ठीक है, दो सेल इस तरह का रहेंगे और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तरह समझ लेते हैं, तरह ये और ये इस तरह फ्यूज हो जाएंगे। अब फिर जो है तो जाइगोट बना लेते हैं डायरेक्टली, देन जाइगोट फॉर्म। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन वगैरह, मल्टीपल फ्यूजन वगैरह होता है। तो बाइनरी फ्यूजन वगैरह होता है। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट वगैरह के बारे में। क्राइसोफाइट वगैरह टॉपिक है।